गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से रिफ्रेश हो गए होंगे बच्चों उम्मीद करता हूं ना हाँ दो तीन दिन रेस्ट रहा दो एक दिन अच्छा अच्छी बात है आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस Okay, जो जो क्वेश्चन आएगा बच्चों ये डिटेल्ड एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है uh, uh, तो ना मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ठीक है इन कॉन्ट्रास्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ठीक है बच्चों हल्का समय फ्लैश बैक कर लेता हूं

the gametophytic plant body and then gametophytic plant body will undergo sexual reproduction and it will produce a zygote a diploid structure called a zygote and that diploid structure called zygote again that germinates to give rise to one more time a sporophytic plant body theek hai तो ये एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल का एक हल्का सा पिक्यूलरिटी है बच्चों ये याद रखना आप लोगों ने ठीक है

But it doesn't happen in case of ectocarpus. Theke? And here, in case of ectocarpus, zygote germinates directly to give rise to a diploid plant body. So, remember this fact, my dear students. <laughs> reproductive structures here are called gametangia in contrast to the reproductive structures found in oedogonium and voucheria, where these are known as antheridia and uogonia for male structures and

these are plurilocular structures the structures are similar to plurilocular sporangia the structure as well as the development of a plurilocular gametangia and plurilocular sporangia are is same except that in that case in case of plurilocular sporangia diploid zoospores were produced and here in this case during sexual reproduction these plurilocular sporangia

Resemble with plurilocular gametangia in morphology and development, except that, that uh, this plurilocular gametangia it produces biflagellated gametic structures, unlike plurilocular sporangia. So you need not to go for the developmental stages of a plurilocular gametangia in this case. जो ये क्वेश्चन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आप डेवलपमेंटल स्टेजेस पे नहीं जाओगे बच्चों क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाएगा बट बट यू मस्ट हैव द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लूरिलोक्युलर इज सेम एज दैट ऑफ अलोकुलर स्पोरेंजिया ओके एंड द रेंज ऑफ गैमिटिक फ्यूजन देर इज अज ठीक है बच्चो क्योंकि कुछ स्पीशीज है इन सम स्पीशीज देर इज फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमस मोड ऑफ फ्यूजन एंड स्टिल इन सम अदर स्पीशीज देयर इज मोर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमस मोड ऑफ गेमेटिक फ्यूजन इस स्लाइड पे मैं दो चार मिनट रुकना चाहूंगा बच्चों आइसोगेमी में क्या होता है बच्चों आइसोगेमी के केस में जो फ्यूजिंग गेमिट्स हैं वो स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली बिल्कुल आइडेंटिकल है बोथ आर सेम ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो गेमिट्स होंगे बच्चों उनमें हम लोग मेल गेमिट कौन सा है और फीमेल गेमिट कौन सा इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं बता सकते बच्चों ठीक है तो उस केस में एक टर्म यूज किया गया है जनरली द स्पीशीज विच अंडर isogamous mode of fusion are always a, a monoecious or bisexual. we can say that okay? because both types of gametes come from same plant. Okay? both types of gametes in case of isogamy come from the are or are developed in the gametangia which come from same plant or either the fusion takes place between the gametes coming from same gametangium even. ठीक है बच्चों तो उस केस में यहाँ पर जेंडर डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता है ये एक ऐसा बिहेवियर है भी जो जनरली हम लोग फंजाई के केस में देखते हैं बच्चों ठीक है तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है मोनोशियस कंडीशन कंडीशन के के लिए uh, या के लिए या और वो टर्म होता है बच्चों होमोथेलिक ठीक है जो होमोथेलिक और हिटेरोलिक वर्ड फंजाई में यूज होते हैं जनरली ठीक है बच्चों तो हियर इन दिस केस वेयर वी कैन फाइंड आइसोगेमस मोड ऑफ फ्यूजन द स्पीशीज ऑलवेज मोनोशियस और याद रखना बच्चों ठीक है दे कम फ्रॉम टू डिफरेंट गेमिटें टू डिफरेंट गेमिटेंजिया आई दर बिलोंग टू द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ठीक है दैट मीनस द स्पीशीज बिच अंडर गो फिजियोलॉजिकल एन बी मोनोशियस एज वेल एज डायोशियस मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? और जो फ्यूजिंग गेमिट्स होंगे वो या तो एक प्लांट के एक गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी के दो डिफरेंट गेमिटेंजिया से आएंगे ठीक है या फिर दो डिफरेंट प्लांट के गेमिटेंजिया से आएंगे जो ये फ्यूजिंग गेमिट्स हैं विच आर फिजियोलॉजिकल एन आइसो और वो गेमिट्स कैसे होते हैं बच्चों फिजियोलॉजिकल एन आइसो में क्या होता है द आर टू बी लुक सिमिलर बट डिफर डिफर इन इन फिजियोलॉजी ठीक है मीन्स मोर्फोलॉजिकली आर सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट इसका ये मतलब है फिजियोलॉजिकली डिफरेंट का मतलब होता है द गेमिट विच इज कंसिडर्ड मेल गेमिट वो गेमस होता है, होता है के हो बच्चों याद रखना है ठीक है और फिर थोड़ा मजाक के से सेंस में बोलता हूं जो फीमेल गेमिट है उसके सुस्त होने का जो प्रक्रिया है वो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी से शुरू हो जाता है बच्चों ठीक है उसका मोर्टिलिटी में थोड़ा सा सीजर हो जाता है, थोड़ा सा कमी आ जाती है और जो तीसरा मोड हैजिकल एनाइसोगेमी इन दिस केस हैपेंस दैट मेल गेमेट इज स्मॉलर एंड फीमेल गेमेट इज लार्जर दैट इन केस ऑफ मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी the two fusing gametes differ morphologically as well as physiologically or functionally. how they differ morphologically? because male gamete is smaller and female gamete is little larger. okay, here the morphological difference, okay, and what is the physiological difference? it is that the male gamete, which is called microgamete here, okay, the male gamete, which is called microgamete, it is more active. एज कंपेर टू द लार्जर फीमेल गेमिट विच इज कार्ड मैक्रो गेमिट ये विच इज लिटल मोर सुट शोज लेसर मोर्टिलिटी ठीक है लेसर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी इज लार्जरली एसोसिएटेड विद द मोर्टिलिटी ऑफ दैट नेकेट स्ट्रक्चर काल्ड फीमेल गेमिट और मैक्रो गो ठीक है अब एक बात याद रखना है माइक्रोगेमिट्स मेल गेमिट्स और द माइक्रोगेमिट आर फोर्म इन साइड आर गेमिटेंजियम विच इज कॉल्ड माइक्रोगेमिटेंजियम विच इज स्मर इन साइज वेर इज द फीमेल गेमिट विच इज कॉल्ड मेक्रोगेमिट इज फॉर्म इन साइड आ मेक्रोगेमिटेंजियम द गेमिटेंजियम विच इज लार्जर इन साइज ये याद रखना बच्चों अब एक और फैक्ट मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी केस में The plants are always dioecious, means we have male plants which produce micro gametangia inside which the male gametes called micro gametes are produced. Whereas female plants produce larger gametangia which are called macro gametangia. And inside macro gametangia, our female gametes are called, called female gametes.

मोर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी प्लांट्स आर ऑलवेज डायोइशियस सबसे पहले हम आइसोगेमी को पकड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है वॉट एपन आइसोगेमी इन दिसमीडर इन मोर्फोलॉजी एज वेल एज इन फंक्शन एंड दे कम फ्रॉम और दे आर प्रोड्यूस्ड इन साइड गेमिटेंजिया कमिंग और टू डिफरेंट गेमिटेंजिया कमिंग फ्रॉम सेम प्लांट और इवन फ्रॉम द सेम गेमिटेंजियम ियर इन दिस केस एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा बच्चों जेंडर डिफ्रेंशिएशन नहीं है दट मीन वी कैन नॉट टेल विच गेमिट इज मेल और विच गेमिट इज फीमेल सो इन दिस केस वी कैन से द्लांट बॉडीज आर मोनोशियस और होमोथेलिक ठीक है बच्चो प्लांट्स आर ऑलवेज होमोथेलिक और मोनोशियस दिस इज द डायग्राम फर्स्ट डायग्राम यू हैव टू ड्रा ठीक है बच्चो uh, यहां मैंने डायग्राम तो किताब से ही लिया है ठीक है लेकिन इसमें शो क्या कर रहा है सेम मैनर एज द टॉप ऑफ प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम एंड इट प्रोड्यूसिस गेमिट्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दुओ स्पोर्स एंड गेमिट्स आर बाइफलेजेड Laterally inserted biflagellated and flagella are different two unequal and different flagella anterior one is longer tinsel type flagellum and posterior one is shorter and uh, whiplash type of uh, flagellum So here in this case what has been shown that uh, the two fusing gametes they are coming from same gametangium They fuse and give rise to a, a diploid structure called a zygote and this zygote

The fusing gametes are similar in structure but differ in behavior. And behavior is largely behavior or physiology or function. And behavior is largely associated with the mortality. In case of more physiological anisogamy, although the gametes look similar, but they differ in function in the sense that male gametes are more active as compared to female gametes. In this case, fusing gametes are similar in morphology but uh, differ in function and function is associated with mortality. That means male gametes are more motile or more active as compared to the female gametes. The plant bodies can be monoecious as well as uh, dioecious. Now one more thing but the gametangia formed the male gametangia and female gametangia. ये अलग हो गए हैं ठीक है हालांकि जो मेल गेमिटेंजिया और फीमेल गेमिटेंजिया है वो मोर्फोलॉजिकली एक जैसे होंगे देखने में ठीक है बच्चों साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा ठीक है लेकिन उनमें से एक मेल गेमिटेंजियम होगा एक फीमेल गेमिटेंजियम होगा विच में आम फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट मीन देयर इज देयर कैन बी डाइशियस कंडीशन और टू गेमिटेंजिया कैन बी फॉर्म ऑन सेम प्लांट ऑल्सो इन दैट केस कंडीशन इज अशियस दिस इज द डायग्राम दिस इज वन गेमिटेंजियम दिस इज अनदर गेमिटेंजियम ठीक है अगेन हम इसको देखकर हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है क्योंकि मोर्फोलॉजिकली बहुत आर सिमिलर सो वी विल कंसिडर वन इज फीमेल दिस वन इज मेल एक फीमेल गेमिटेंजियम है उसने बाइफलेजेड गेमिट्स बनाया है फीमेल गेमिट्स ठीक है एक मेल गेमिटेंजियम है उसने सिमिलर इन स्ट्रक्चर वाला एक जेमिट बनाया है मेल गेमिट ठीक है इनका पता तभी लग सकता है इनका डिफरेंशिएशन जेंडर डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब हम इनको देखेंगे है ना जो ज्यादा एक्टिव होगा दैट शुड बी कंसीडर्ड आ मेल गेमिट और अगेन इन दिस केस आल्सो व्हाट हैपेंस दिस टू अंडरगो सिनगेमी मींस दे फ्यूज फ्यूजन के टाइम में क्या है बच्चों क्या, क्या बताया क्या कैसे फ्यूज करते हैं ये मैं बताता हूँ टू फ्यूजिंग कम क्लोज तो इच देर एंटीरियर एंड ठीक है एंटीरियर एंड की मदद से नजदीक आते हैं ठीक है और कुछ समय के लिए ये आपस में अटैच हो जाते हैं चिपक जाते हैं वो किसके मदद से चिपकते हैं बच्चो विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीरियर किसल्ट टाइप लेजेलम ये इतना डिटेल आपको जानने का जरूरत नहीं है ठीक है फिर एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएंगे ठीक है लेकिन आपको जानकारी अगर चाहिए कि फ्यूज कैसे करते हैं तो फ्यूज इस तरह से करते हैं बच्चों ठीक है आइसोगेमी के केस में भी और फिजियोलॉजिकल एनसोम गेमी, गेमी के केस में भी दोनों फ्यूजिंग गेमिट्स नजदीक आते हैं टिंसल टाइप की मदद से थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं ठीक है विद एंटीरियर एंड विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर एंड

Different in structure as well as in function. Okay, but The plant bodies are always dioecious. That means we have separate male plants which produce male gametangia, which are smaller in structure, and we have separate female plants which produce female gametangia, which are larger in structure. Okay. So male plants produce smaller gametangia, which are called microgametangia, and female plants produce larger gametangia, which are called मैक्रो गेमिटेंजिया माइक्रोगेमिटेंजिया प्रोड्यूस स्मॉलर एंड मोर एक्टिव मेल गेमिट्स विच आरकार प्रोड्यूस लार्जर एंड लेस एक्टिव फीमेल गेमिट्स विच आरकार मैक्रो गेमिट्स और मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में जो फ्यूजन का जो प्रक्रिया है प्रोसेस है दट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग ठीक है आगे के स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा वट एपन्स दिस इज अ फीमेल प्लांट बॉडी अ पार्ट ऑफ फीमेल प्लांट बॉडी विच इज प्रोड्यूसिंग फीमेल गेमिटेंजियम कॉल्ड माइक्रो गेमिटेंजियम एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मेल प्लांट बॉडी विच इज प्रोड्यूसिंग अ स्मॉलर गेमिटेंजियम माइक्रो माइक्रोगेमिटेंजियम यहां पर एक बात आप लोगों ने थोड़ा सा एडिट कर लेना है बच्चों क्योंकि ये आपका तीसरा डायग्राम है जो आपने ड्रा करना है जरूरी है बच्चों ठीक है ये मैंने किताब से ही लेकर यहाँ पर पेस्ट किया था ठीक है तो मुझे एक गेमिटेंज छोटा दिखाना था उस चक्कर में क्या हो गया बच्चों ये प्लांट बॉडी भी थोड़ा छोटा हो गया है असल में ऐसा नहीं है प्लांट बॉडीज छोटे बड़े नहीं होते हैं ठीक है थीके? तो आप लोगों ने क्या करना जब ये ड्रा करोगे बच्चों थोड़ा सा एडिट कर लेना इसको ये भी थोड़ा सा बड़ा दिखा देना है जो ये सेल्स हैं ठीक है द साइज ऑफ सेल इन केस ऑफ फीमेल प्लांट बॉडी एंड इन केस ऑफ मेल प्लांट बॉडी बच्चों ठीक है ये मेरी मजबूरी है ठीक है आप लोग समझ सकते हो आ, क्योंकि मैंने यह स्लाइड के ऊपर चिपकाया था ठीक है और मुझे एक छोटा गेमिटेंजियम दिखाना था बच्चों ठीक है उस चक्कर में ये प्लांट बॉडी भी छोटा ही हो गया ठीक है तो इसको कृपया छोटा नहीं करना है मेल प्लांट बॉडी को बराबर शो करना आप लोगों ने ठीक है मेल गेमिटेंजियम which is called microgametangium it produces a smaller biflagellated structures called microgametes which are larger in number ठीक है larger in number as compared to the macrogametes formed inside a macrogametangium ठीक है किताब में लिखा हुआ है कि साइज का कुछ जानकारी नहीं है बच्चों ठीक है असल में इक्रोगेमिटेंजियम साइज में छोटा भी होता है और इट प्रोड्यूसिस लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोगेमिट्स वेर एज मेक्रोगेमिटेंजियम इज लार्जर इन साइज एंड इट प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ मैक्रोगेमिट्स और फीमेल गेमिट्स ठीक है तो वॉट एपन्स ड्यूरिंग फ्यूजन दी माइक्रोगेमिट फॉर्म अराउंड लार्जर फीमेल गेमिट and get attached to it with the help of their longer tinsel type of flagellum, ठीक है बहुत सारे माइक्रोगेमिट्स चिपक जाते हैं माइक्रोगेमिट के साथ गेमिट नहीं चिपकता है ये अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गर एंटीरियर लॉन्गर टिंसल टाइप फ्लेजेलम देंट व्हाट एपन्स एनी वन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ माइक्रोगेमिट्स नेचर हैज चोजन टू बी फिटेस्ट सडनली देट माइक्रो गेमिट फॉर एग्जाम्पल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ओके दिस वन दिस वन इज लकीस्ट वी रिट्रेक्ट इज फ्लेज इट कॉन्ट्रैक्ट इज फ्लेजम सडनली रेपिडली एंड कम्स क्लोज टू फीमेल गेमिट एंड थ्यूजिस विद इट दिस इज इट बच्चो ठीक है तो मोर्फोलॉजिकल एनाइसो गेमी में आपका इस तरह से फ्यूजन होगा नाउ वॉट एपन्स टू अदर मेल गेमिट्स और माइक्रो गेमिट्स इमीजिएटली आफ्टर द लकीस्ट मेल गेमिट ज्वाइंट फीमेल गेमिट एंड फ्यूज भी डिट ऑल अदर माइक्रोगेमिट्स और द दे सेपरेट फ्रॉम फीमेल गेमिट एंड आई दर डाई आउट बर नाउ लिसन वेरी मच केयरफुली बच्चो जैसे ही एक लकीस्ट जो मेल गेमिट होगा ठीक है वो फ्यूज करेगा फ्यूज करने के तुरंत बाद जो बाकी मेल गेमिट्स होंगे वो अलग हो जाएंगे या तो वो खत्म हो जाएंगे या फिर अगेन कुछ मेल गेमिट्स जो कुछ लकी रहते हैं देटल दे डोन एट बॉटम रिटेक्ट देर फ्लेजेलाइज दियर सेल वॉल एंड जर्मिनेट टू गिव राइस टू आर न्यू गेमिटो फिटिक प्लांट बॉडी दिस इज इट बच्चो यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है एक्टोकार्पस का ठीक है हा आगे के स्लाइड में आपको रीड करके ही सुनाता हूं ठीक है तो यह डायग्राम बच्चो तीसरा डायग्राम है जो आपने बनाना है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वॉट एपन्स मेनी मेल गेमिट्स स्वर्म अराउंड और क्लस्टर अराउंड द फीमेल गेमिट एंड अटैच टू इट विद द हेल्प ऑफ लॉन्गर एंटीरियर पिंसल टाइप फ्लेजेलम एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज अ क्लम्प फॉर्मेशन ये जो बच्चों ठीक है इसको हम क्लम्प फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं अटैचमेंट ऑफ मेनी माइक्रोगेमिट्स टू मेल टू अर्जर फीमेल गेमिट और माइक्रोगेमिट विदेल्प ऑफर इंटीरियर पिंसलटाइप लोंगर फ्लैजेलम ठीक है कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है नेमा एन एलगी वेम क्लम फॉर्मेशन इज फॉर्म और व्हाट इज क्लम फॉर्मेशन ठीक है एक एक नंबर का प्रश्न कई बार आ जाता है अटैच माइक माइक्रो गेमिट्स वन व्हिच इज लकीस्ट और फिटेस्ट ठीक है इट सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स फ्लैजेलम एंड कम्स क्लोज टू फीमेल गेमिट एंड फ्यूजेस विद फीमेल गेमिट टू फॉर्म अ आई गॉड that diploid zygote again undergoes a not sorry very sorry it never undergoes meiosis rather it germinates directly to give rise to a new diploid plant body called asporophytic plant body other male gametes which fail to fuse or which fail to fertilize female gamete get detached may either die away or some of them may germinate

हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये पॉइंट बच्चों पर मेरा मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने ये बच्चों के दिमाग में बिठाई देना है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों हा ये जो पॉइंट है आप नहीं लिखना चाहो जरूरत नहीं है ये पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं लिखना है लास्ट स्लाइड में जो पॉइंट दिया है बच्चों ये सिर्फ आपको आपके दिमाग में बिठाने के लिए है ये फैक्ट ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ जो रहेगा लाइफ साइकिल इन एक्टोकार्पस एक बार पढ़ लेना है बच्चों लाइफ साइकिल इन एक्टोकार्पस इज है और डिप्लो है टाइप ठीक है क्योंकि दोनों फेजिस फेज हेप्लोइड प्लांट बॉडी और डिप्लोइड प्लांट बॉडी दोनों अच्छे खासे समय के लिए नजर आते हैं लाइफ साइकिल में एक्टोकार्पस के ठीक है बच्चों तो एक बार एक नजर जरूर मार लेना है ठीक है तो कल का टॉपिक आप आसानी से समझ पाओगे तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बच्चों हैव अ नाइस डे थैंक यू वेरी मच